हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 17 चिट्ठी आई है, तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। पहला, सभी पत्रों पर डैश प्रयुक्त होती है, यह पता लगाने के लिए कि उन्हें भेजने में कितना खर्च आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे डाक टिकट। दूसरा, डैश डाक संचार का सबसे सस्ता साधन है, तो यहाँ हम लिखेंगे पोस्ट कार्ड। तीसरा, डैश का पूर्ण रूप पोस्टल इंडेक्स नंबर है, तो यहाँ हम लिखेंगे पिन। चौथा, मेरे घर के पते का पिन कोड डैश है, तो बच्चों यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स से पूछकर जहाँ आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर दिल्ली में अपने पते का पिन कोड लिख रहा हूँ, जो कि 110001 है। आपको बताना चाहूँगा कि यह पिन कोड 6 अंक का होता है। पांचवा, मेरे पिताजी का फ़ोन नंबर डैश है, तो यहाँ पर आप अपने पिताजी का फ़ोन नंबर लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अपने पिताजी का मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, 98, उसके बाद मैं 6 टाइम्स 6 बार काटा लगाऊंगा और लास्ट में 01। आपको बताना चाहूँगा कि मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, लॉकडाउन के दौरान अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, जिसमें हम लॉकडाउन के दौरान अपनी दिनचर्या का वर्णन करेंगे। पत्र लिखने से पहले हमें उस पर क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बच्चों यहाँ पर पता लिखते हैं, जिस पते पर हम पत्र भेजते हैं, और यहाँ पर पिन कोड, जिस जगह पत्र को भेजा जाएगा तो यहाँ पर उस स्थान का पिन कोड लिखा जाता है। चलिए अब हम पत्र लिखते हैं। तो बच्चों पत्र आप अपने मित्र को अपने शब्दों में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपने काल्पनिक मित्र को। प्रिय मित्र साहिल, तुम कैसे हो? आज मैं तुम्हें लॉकडाउन के दौरान अपनी दिनचर्या के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठकर ब्रश करके व नहा धोकर नाश्ता करता हूँ। उसके बाद अपनी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। क्लास समाप्त होने पर खाना खाता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर खेलता हूँ व आराम करता हूँ। शाम को दूध पीने के बाद अपने स्कूल का काम करता हूँ। उसके बाद खाना खाकर कुछ देर टीवी देखता हूँ और फिर सो जाता हूँ। यह मेरी दिनचर्या है। तुम भी अपनी दिनचर्या बताना। अपने माता पिता को मेरी नमस्ते कहना। तुम्हारा मित्र दीपक। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अपने काल्पनिक मित्र को एक काल्पनिक पत्र लिखा है, तो यहाँ पर आप भी अपने मित्र को ऐसा ही एक पत्र लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिखाए गए टिकटों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कीजिए और पता कीजिए कि वे कब छपे थे, वे क्या दिखा रहे हैं, वे किस दिन को मना रहे हैं, मूल्य और उद्गम देश किस देश की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 डाक टिकट दिए हुए हैं। तो चलिए हम पहले डाक टिकट के बारे में लिखते हैं। मूल्य 15 रुपये, उद्गम देश भारत, छपाई का वर्ष 2019, वे क्या दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वे किस दिन को मना रहे हैं। तो बच्चों कोई भी डाक टिकट किसी न किसी दिन को मनाने के उपलक्ष्य में जारी किया जाता है। तो यह डाक टिकट 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती पर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म, गांधी जी का जो संदेश होता है वह भी लिखा हुआ है। चलिए अब हम दूसरे टिकट के बारे में जानते हैं। मूल्य 10 पैसे, उद्गम देश नेपाल, छपाई का वर्ष 2001, वे क्या दिखा रहे हैं। तो इस डाक टिकट में नेपाल का झंडा दिखाया गया है। वे किस दिन को मना रहे हैं। तो बच्चों ये डाक टिकट 2001 में जारी किया गया था। आपको बताना चाहूँगा नेपाल में नवंबर 2001 में नेशनल इमरजेंसी
राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, इसी कारण यह टिकट जारी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चार, निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, डाकघर में पत्रों पर मुहर लगाई जाती है, सही। दूसरा, पुलिस थानों में पत्र क्रमबद्ध किए गए हैं, गलत। तीसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में पत्र वितरित नहीं किए जा सकते, गलत, किए जा सकते हैं। चौथा, पुलिस वाला हमारे घर पर पत्र पहुंचाता है, गलत, पोस्टमैन पहुंचाता है। पांचवा, पिन भारतीय डाक कोड प्रणाली में 16 अंकों का कोड है, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पाँच, पत्र की यात्रा के चरणों का उनकी तस्वीरों के साथ मिलान करें। पत्र लिखना, इसे दूसरे नंबर के चित्र से मिलाएंगे। पोस्ट बॉक्स में पत्र पोस्ट करना, इसे तीसरे चित्र से मिलाएंगे। डाकिया पत्र पेटी से पत्र एकत्र करता है, तो इसे पहले चित्र से मिलाएंगे। डाकघर में पत्र को क्रमबद्ध और मुद्रांकित किया जाता है, तो इसे पांचवें चित्र से मिलाएंगे। ट्रक, वैन, विमान और ट्रेन द्वारा पत्रों का परिवहन, तो इसे चौथे चित्र से मिलाएंगे। डाकिया को जिस शहर में पत्रों को पहुंचाना है वहां के स्थानों के अनुसार छांटता है, इसे सातवें चित्र से मिलाएंगे। डाकिया पत्रों को हमारे घरों तक पहुंचाता है, इसे छठे चित्र से मिलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छः, कुछ उपयोग किए हुए डाक टिकटों को इकट्ठा कीजिए और यहाँ चिपकाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको उपयोग किए हुए डाक टिकटों को चिपकाना है। आपके घर में कोई भी पुराना डाक टिकट पड़ा हो तो आप उसे यहाँ चिपका सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सात, एक लेटर बॉक्स पत्र डालने के डिब्बे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको लेटर बॉक्स पत्र डालने के डिब्बे का चित्र बनाकर रंग भरना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य के बारे में एक विश्व प्रसिद्ध कहावत है, स्वास्थ्य अमूल्य धन है। एक स्वस्थ शरीर को शरीर की समग्र क्षमता के रूप में अच्छी तरह से कार्य करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें सभी व्यक्तियों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य शामिल है। जब कोई अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखता है तो वह खुशी की कुंजी खोलता है। तो बच्चों, आज जीवन कौशल में आपको स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है, अच्छा स्वास्थ्य कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे नियमित रूप से पानी पीना, स्वस्थ भोजन करना, व्यायाम करना, तनाव को कम करना और समय पर सोना। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर में रोगों का अभाव ना होकर एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ छात्रों के लिए कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। प्रश्न एक, 5 ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं जो आपको खाने चाहिए और 5 ऐसे जिन्हें आपको स्वस्थ रहने के लिए खाने से बचना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप एक तालिका बना सकते हैं जिसमें आप उन वस्तुओं को लिखेंगे जो खाना चाहिए और दूसरे बॉक्स में उन वस्तुओं को जो नहीं खाना चाहिए। तो खाना चाहिए में हम लिख सकते हैं सेब, आम, संतरा, गाजर, मूली, टमाटर इत्यादि, अर्थात हमें फल और सब्जियां अपने खाने में खानी चाहिए। नहीं खाना चाहिए में हम लिख सकते हैं बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, चिप्स, चाउमीन, पैटीज एक्सेट्रा। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दो, समय में परिवर्तन के साथ हमारे खाने की आदतों में भी बदलाव आया है। इस बदलाव के बारे में अपने दादा दादी या माता पिता के साथ चर्चा करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने दादा दादी या माता पिता के साथ चर्चा करनी है कि समय के साथ हमारे खाने में क्या बदलाव आया है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पुराने समय में लोग हरी साग सब्जियाँ व फल उगाकर खाते थे जो कि पौष्टिक होता था, लेकिन अब के लोग जंक फूड, तला हुआ भोजन खाते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक होता है।
पुराने समय में लोग समय पर भोजन किया करते थे, जबकि आजकल लोग अधिक भाग दौड़ एवं कार्यों के कारण समय पर भोजन नहीं कर पाते, जिसका उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, किसी भी व्यायाम या किसी भी योगासन का प्रदर्शन करते हुए खुद का एक छोटा वीडियो बनाएं और अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपना एक वीडियो बनवाना है, जिसमें आप व्यायाम या कोई योगासन करते हुए वीडियो बनाकर अपने कक्षा अध्यापक को भेजेंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। खाना पीना, अपने खाने में हरी सब्जियां शामिल करें, जैसे घिया, फली, टिंडे आदि। गतिविधि, अपने घर के पौधों में पानी दीजिए। खेल, अपने परिवार के सदस्यों के साथ लूडो खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं, जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। Thank you.